आगे आप पेज नंबर 116 पे देखेंगे, वहां पे दिया हुआ है मोर सीक्रेट मैसेज। यहाँ पे सोना और चंदू है, आर प्ले का गेम। यहाँ पे सोना और चंदू जो है वो दोनों ये गेम खेल रहे हैं, तो वो किस टाइप का गेम देखेंगे, दे आर राइटिंग सब सीक्रेट मैसेज। वो दोनों एक दूसरे को सीक्रेट मैसेज लिख रहे हैं, बट कोमल इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम। पर कोमल जो है वो दोनों के सीक्रेट मैसेज को नहीं समझ पा रहे हैं। तो जीवू कहती है, आई एक्सप्लेन द रूल, मैं तुमको वो रूल एक्सप्लेन करती हूँ जिस टाइप से हम लोग एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जग्गू जो होता है वो एक्सप्लेन करता है कोमल को कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारा जो सीक्रेट मैसेज हो रहा है सोना और जग्गू के बीच में, उसमें क्या सीक्रेट रूल्स है। तो जग्गू कहता है, यू सी वी हैव चेंज ईच लेटर बाय इट्स नेक्स्ट लेटर। हमने क्या किया है, जो लेटर है उसको उसके नेक्स्ट लेटर से क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अगर हमें ए लिखना है तो ए को हम बी कहेंगे, बी लिखना है तो बी को सी कहेंगे, यानी हम उसके नेक्स्ट लेटर से उस लेटर को चेंज कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ए बी सी डी लिखा हुआ है, तो इन दो इन लोगों का जो रूल है सोना और जग्गू का वो क्या है, वो ए को बी कह रहे हैं, बी को सी कह रहे हैं, सी को डी कह रहे हैं, डी को ई कह रहे हैं। तो वो हर लेटर को जो है उसके नेक्स्ट लेटर से चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे ए बी सी डी ए जी जेड है, तो यहाँ पे वाई जेड हो जाएगा और जेड को हम ए कहेंगे। यानी यहाँ पे क्या हो गया, फिर से देखिए ए को बी कहेंगे, बी को सी को डी, डी को ई, ई एफ हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा, जी एच, एच ओ आई। तो ये रूल वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो कोमल को समझ में आ जाता है कि ये लोग क्या कह रहे हैं। अब वो कहते हैं कि हमें आगे यस लिखना है। क्या कह रहे हैं, अगर हमें यस लिखना है तो हम यस को क्या लिखेंगे, वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे, और ई की जगह हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, और एस की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, टी लिख रहे हैं। अगर हम जेड एस ई लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया यस। तो यस को क्या लिखते हैं, जेड एस ई। क्या लिया है सपना और जग्गू ने, उनने जो लेटर है उसको उसके नेक्स्ट लेटर से चेंज कर दिया है। तो ये भी एक नया रूल बन गया है, इस टाइप से भी वो दोनों एक दूसरे को सीक्रेट मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कोमल, सॉरी क्या हुआ, कोमल के लिए वो नाउ आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आ गया कि आप लोग क्या कर रहे हो। अब देखेंगे कोमल सी व्हाट आई हैव रिटन, कोमल यहाँ पे कुछ लिखती है तो आपको बताना है कि इसने क्या लिखा है। ठीक है, कोमल ने लिखा है एक्स एफ बी एस एफ और आगे जी एस जे एफ ओ ई टी। पहले क्या हुआ था कि कोमल को समझ में नहीं आ रहा था सोना जग्गू क्या सीक्रेट मैसेज कर रहे हैं। फिर जग्गू ने जो है कोमल को मैसेज समझा दिया कि वो क्या कर रहे हैं, लेटर को उसके नेक्स्ट लेटर से चेंज कर रहे हैं। तो कोमल को समझ में आ जाता है। फिर कोमल कुछ लिखती है और कहती है कि बताओ ये उसने क्या लिखा है। तो कोमल ने क्या लिखा है, हम इसे चेंज कर रहा हूँ, आप फिर हमें पता चल जाएगा। अब देखेंगे एक्स एक्स के लिए क्या हो जाएगा, एक्स की प्लेस पे आ जाएगा डब्ल्यू। अब एफ एफ की प्लेस पे हो जाएगा, एफ की प्लेस पे आ जाएगा ई बी। अब देखेंगे बी बी के लिए आ जाएगा के, एस के लिए देखेंगे हम एस के लिए आ जाएगा आर, एफ एफ के लिए आ जाएगा ई, वी आर ये क्या लिखा हम देखते हैं, जी के लिए आ जाएगा यहाँ पे, जी के लिए आ जाएगा एफ, एस के लिए आ जाएगा आर, जे के लिए आ जाएगा आर, एस के लिए क्या आ जाएगा ई, ओ के लिए आ जाएगा एन, ई के लिए आ जाएगा यहाँ पे बी, और टी के लिए आ जाएगा एस। तो आ जाएगा कोमल ने पहले
घूमना और चौको की बात को समझा कि उसने सीक्रेट मैसेज टाइप किया। फिर सीक्रेट मैसेज उसने क्या लिखा, हमने उसे कन्वर्ट करके देखा, वी आर फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि सोना चौको के बीच में क्या बातें होती है। अब सोना ने क्या सीक्रेट मैसेज लिखा है, अब सोना ने लिखा है जी।
देखा तो पता चल गया कि वो एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं। तो इसी टाइप से आपको